जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है ना, यह जानने वाला भी महान होता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, दलदल में कहां पर आप गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, अगर इसका अनुमान आपको है ना, तो आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और यह जानने के लिए, यह एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पहले हारना जरूरी है। तो ये कभी मत सोचना कि आज अगर कोई गिरा है तो कल वो उठ नहीं सकता, बिल्कुल उठ सकता है, और बहुत मजबूती से, आपसे ज़्यादा मजबूती से। ये बात इसीलिए किसी का मजाक मत उड़ाना जिंदगी में, अगर वो कुछ भी पहली बार ट्राई करे और असफल हो जाए तो। मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा आप सभी। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और एक बात, जैसे कल रात को मैंने आप सभी से ये बात जानने के लिए कहा था कि आप सभी बताना, आप सभी को ट्रिगो या फिर एलजेब्रा दोनों में से किसके वीडियो चाहिए, पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ताकि मैं पर्सनली चाहता हूं 6 से 7 या 8 दिन में कोई एक टॉपिक ऐसे आपको क्लियर करवा दूं जिसका आपको 0 भी नहीं पता है। और आप बोलो कि भैया जहां मुझे 0 तक नहीं पता था, आज 60-70% जो है वो कवर करवा दिए आप सभी ने, ठीक है। और आप किसी भी, आज कवर करेंगे हम लोग 7 से 8 अप्रैल की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर, और आप किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98 जो गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड करने के बाद आप फोन के ऊपर हर एक एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, बैंक का हो, रेलवे का हो, या फिर SSC का हो, कोई भी एग्जाम का। और वहां पर इंस्टॉल करने के बाद अगर 349 वाला पैकेज बाई करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ, यानी 1 साल तक आने वाले हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप सभी अपने आप को जज कर पाओ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 रोगियों के लिए इंडियन नेवी के द्वारा विकसित मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड, जिसका नाम दिया गया है MOM, गर्व निरोधक खरीदने का फैसला किया है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया ये मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है क्या? आप देखे होंगे हॉस्पिटल वगैरह में, जो भी अभी आप तो अक्सर न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाता होगा कि पेशेंट्स के बेड के बगल में जो तार के तरह लटका रहता है ना 2-3 बार, वो जिससे ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर। और ये गर्व निरोधक खरीदने का फैसला किसने किया है? जो नेवी के द्वारा विकसित किया गया है, ये द्वारा, ठीक है, ये सब चीज। और ये फैसला किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने खरीदने का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंद, और कैपिटल आपका वो तो है हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पेटीएम मनी के MD और CEO के रूप में इस्तीफा दे दिया है? मैं आपको पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत जन के माइंड में डाउट आएगा कि भैया इसका आंसर क्या होगा, पहले वो बताओ। तो पेटीएम मनी के MD और CEO के पद से जिसने इस्तीफा दिया है उनका नाम है आपका परवीन जाधव, ऑप्शन नंबर आपका B। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, भैया पेटीएम के CEO या चेयरमैन तो वो विजय शंकर शर्मा है, बिल्कुल पेटीएम का, लेकिन यहां पर बात कर रहा है पेटीएम मनी का। तो ये आप डाउट क्लियर रखना, पेटीएम मनी की बात हो रहा है ना कि पेटीएम का, पेटीएम का ही है लेकिन पेटीएम मनी की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस रेलवे कारखाने ने वित्त वर्ष 19 और 20 में 431 लोकोमोटिव का उत्पादन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और ये कारनामा करने वाला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ऑप्शन नंबर D, जो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, ये कारखाना।
अगला प्रश्न हमारे सामने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो यह मान्यता दी गई है आपका बॉब वेंटन को, ऑप्शन नंबर आपका बी। यह जो है वो ब्रिटेन के रहने वाले, कहां के? ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, 112 साल एक दिन इनकी आयु है, ठीक है। इसीलिए इनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? तो यह है आपके यूके के। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है। आप सभी को कमेंट कर ये बताना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम, वहां का मुद्रा और वहां के राजधानी का क्या नाम है। और एक बात आप सभी को पता होगा, कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी जूझ रहे हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में है। नाम लिखकर आप जरूर बताना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दूर संचार और दूर संचार सेवा के साथ समन्वय में किस कंपनी ने एक कोविड संगरोध चेतावनी प्रणाली विकसित की है? और यह करने वाला है आपका सी डॉट, ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है ना, उसके मद्देनजर आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी करने के लिए किस कंपनी ने आईटीसी फूड के साथ हाथ मिलाया है? और आईटीसी फूड के साथ हाथ मिलाने वाली कंपनी है आपका डोमिनोज, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको पता है लॉकडाउन में जो आपका चल रहा है, इस बीच जो है आईटीसी और डोमिनोज ये दोनों मिलकर जो है वो होम डिलीवरी करेगी। यहां पर डोमिनोज का मतलब ये मत समझना बस पिज्जा, ठीक है, सभी आशीर्वाद आटा भी बोला गया है, जो भी जरूरी सामान है, ठीक है। हालांकि कितना सेफ है इस वायरस को देखते हुए होम डिलीवरी, वो तो पता नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कोई भी सामान प्लास्टिक कहाँ से बनकर आ रहा है, उस पर वायरस है, बहुत कुछ यहाँ पर आपको और देखना पड़ेगा डिलीवरी लेने के समय, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा इस चीज़ से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, गुजरात की राज्य सरकार ने ना सभी पंजीकृत गोपालकों के लिए अप्रैल महीने के लिए प्रत्येक जानवर के लिए कितने रुपए की प्रतिदिन की वित्त सहायता की घोषणा की है? आप सभी को पता है अभी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान गुजरात सरकार ने घोषणा किया है ना, जितने भी गौशाले हैं वहां पर प्रति हर एक जानवर के लिए 25 रुपए प्रतिदिन जो है वो सहायता के रूप में दिए जाएंगे हर गौशाला में। और सीएम कौन है गुजरात के? तो विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, और कैपिटल तो वो है आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस संगठन के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2021 में घटकर 4% तक रहने की उम्मीद है? यानी जो इंडिया का जीडीपी है वो 4% तक, और ये अनुमान लगाया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा यानी एडीबी। पहला प्रश्न आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी को मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, गूगल ने सभी बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल जो भी कंपनी है, जो भी अमीर आदमी है, सभी आगे बढ़कर आ रहे हैं। यहां पर गूगल भी अपना दिल बहुत बड़ा किया है और आगे निकल कर आए हैं। और गूगल ने कोरोना वायरस गलत सूचना से लड़ने में मदद करने के लिए तथ्य चेकर्स और गैर लाभकारी संगठनों को कितने राशि दान की है? तो वो दिया गया है $6.5 million, ऑप्शन नंबर आपका डी। बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि अभी इतना सारा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, देखो यहाँ पर सबको साथ में रहकर लड़ने की जरूरत है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो है, इतने गिरे हुए लोग जो है यार, क्या बोलूँ, फेक न्यूज का धंधा चल रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, आप सभी को पता है इसका उच्च न्यायालय जो है वो एक ही है, कि अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के परमानेंट जज के रूप में किसने शपथ ली है उनका नाम बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजनीश ओसवाल,
न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल इज द राइट आंसर। और एक बात, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो राज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख की बात की जाए तो राधा कृष्णा माथुर। ये सब पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की लागत क्या हो सकती है? कितना नुकसान हो सकता है? 4.1 trillion का, ऑप्शन नंबर बी जो बहुत बड़ा है एशियाई विकास बैंक के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने COVID-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए $1 billion के इमरजेंसी फंड को किसने मंजूरी दी है? तो यह देगा आपका विश्व बैंक $1 billion भारत को COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता है, डेविड मालापास भैया। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2021 में तीसरा एशियाई युवा खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो ईपी सेंटर रह चुका है कोरोना वायरस का, चाइना, वही करेगा। महान देश है, क्या बोला जाए, धंधा करता है लोगों के बीच में नफरत फैलाकर। तो क्वेश्चन क्लियर रखिएगा, विच कंट्री विल बी होस्टिंग द 3rd Asian Youth Game इन 2021? तो ये करने वाला है आपका चीन, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, टोनी ल्यूस का 1 अप्रैल 2020 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने किस लोकप्रिय सूत्र का सह आविष्कार किया था? और ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट जरूर रखिएगा। और उन्होंने आविष्कार किया था आपका डकवर्थ लुइस मेथड का, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्या है भैया, आपने देखा होगा क्रिकेट में अचानक कभी बारिश हो जाता है कभी भी, तो इसका फैसला जो है वो डकवर्थ लुइस मेथड के अनुसार ही होता है। आपने देखा होगा ना, अगर क्रिकेट प्रेमी है तो आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे बस इस मेथड का नाम सुनने के ही बाद। अगर कभी क्रिकेट में आधा मैच होकर या 5-5 ओवर के मैच के बाद पानी पड़ जाए तो उस क्रिकेट में रिजल्ट जरूर आएगा, किसी टीम को विजय घोषित जरूर की जाएगी। और वो किस मेथड के ऊपर? तो डकवर्थ लुइस मेथड के ऊपर। इसका आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक थे आपके टोनी ल्यूस, इन्हीं का जो है वो निधन हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, COVID-19 के लिए किस देश के राष्ट्रपति का 2 बार परीक्षण किया गया है, 2 बार टेस्ट किया गया है? कहां के? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का। ये भी डरे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 7 और 8 अप्रैल का। इसका संपूर्ण PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप से। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, चलिए।